नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व सीएम हरीश रावत के धरने का आज दूसरा दिन है। हरीश रावत ने सर्द रात में पूरी कल धरने पर धरना शुरू किया था कल हरीश रावत ने, और इस दौरान सर्द रात में वहां पर उन्होंने पूरी रात बिताई है धरना स्थल पर। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हरीश रावत धरने पर हैं, और कल उन्होंने उपवास का ऐलान किया था 24 घंटे का, और आज उनके धरने का दूसरा दिन है। और कल पूरी रात उन्होंने सर्दी में बिताई है धरना स्थल पर खुले में। अंकिता हत्याकांड की जाँच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं हरीश रावत। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हरीश रावत ने धरना शुरू किया है। हरीश रावत ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अंकिता हत्याकांड राज्य के लिए काला अध्याय है, हरीश रावत ने यह बयान दिया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर हैं और आज उनके धरने का दूसरा दिन है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत के धरने का आज दूसरा दिन है। वहीं ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया पहुंचे हैं, जो हरीश रावत के धरना स्थल पर पहुंचे हैं और वहां से वहां की जानकारी हमें देंगे। सौरभ, हरीश रावत के धरने का आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने 24 घंटे के उपवास का ऐलान किया था और पूरी रात उन्होंने सर्दी में बिताई है खुले आसमान के नीचे अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। बिल्कुल, देखिए हरीश रावत लगातार अंकिता को न्याय दिलाने से लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़कों पर लड़ाई लड़ी गई, इससे पहले जो विधानसभा का सत्र हुआ तो सदन के भीतर लड़ाई लड़ी गई। हमारे साथ जो है प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद है गोपाल जी। देखिए आपको हैरानी यहाँ पड़ रही थी, ऐसे में इस उम्र के पड़ाव में जिस तरह की हिम्मत उन्होंने दिखाई है, क्योंकि क्या करें, जब ऊंगी बहरी सरकारें हो जाती हैं, जब जिद्दी सरकारें हो जाती हैं, जब अपने लोगों को अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकारें हो जाती हैं, तो फिर घरों से ऐसे ही निकल कर आना पड़ता है। यहाँ पूरा कनाट कल 12 बजे से लेकर आज 12 बजे तक इसका समापन होने वाला है। ये दो दिवसीय धरना यहाँ पर माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर दिया जा रहा है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि SIT गठन के बाद तो मामला और भी ठंडे बस्ते में चला गया। हमने सोचा था रोज नए खुलासे होंगे, रोज कोई नया राज पता चलेगा वनांतरा रिजॉर्ट से जुड़ा हुआ, लेकिन वहां तो साक्ष्य और सबूत मिटा दिए गए हैं। बुलडोजर चला दिया गया है, दो बार आगजनी हो गई है, उसके अलावा उसकी मौत से उलझे हुए कई ऐसी गुत्थियां हैं जो अभी सुलझनी बाकी है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते हैं, वहां अगर इस तरह के अपराध होंगे, चलिए अपराध एक बार को हम नहीं रोक पाए, लेकिन अपराध होने के बाद अगर हम अपनी बच्चियों की अस्मिता की रक्षा नहीं कर पा रहे, उनको न्याय नहीं दिला पा रहे, तो फिर मुझे लगता है कि हमें जिंदा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए माननीय रावत जी को इस उम्र में भी यहाँ कड़ाके की सर्दी में कांग्रेस जनों के साथ बैठे, और केवल कांग्रेस जन नहीं, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी तमाम उन संगठनों का जिन्होंने यहाँ पर आके उन्हें समर्थन दिया। यहाँ मातृशक्ति रात के 12 बजे तक विद्यमान थी, और यहाँ लगातार लोगों के मन में एक ही कष्ट है कि आखिर वो कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर यहाँ प्रदेश का नेतृत्व एकजुट हो गया है, क्योंकि सरकार की भी किरकिरी हो रही है, उत्तराखंड शर्मसार हो रहा है राष्ट्रीय पटल पर, और कहीं ना कहीं एक छवि हमारी धूमिल हुई है अंकिता हत्याकांड से, छावला मर्डर केस से, अनामिका को जो न्याय नहीं मिल पाया। हम तो पूछना चाहते हैं राज्य सरकार से कि अनामिका के केस में भी आप क्या कर रहे हैं, क्या मदद कर रही है सरकार। तीनों जो उसके बलात्कारी हैं वो बाइज्जत बरी कर दिए गए, तो ऐसे में पुनर्विचार याचिका जो है दाखिल हो गई नहीं हो गई। तो लगातार जो अपराध यहाँ बढ़ रहे हैं मातृशक्ति के साथ, वो एक चिंतनीय विषय है, और हम अगर उस संस्कृति को बचा नहीं पाए तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी। सौरभ, इनसे पूछिए कि SIT इस मामले की अभी जांच कर रही है, SIT की जांच पूरी नहीं हुई है, आरोपियों का नार्को टेस्ट अभी होना है, तो और CBI जांच को हाईकोर्ट मना कर चुका है पहले ही कि SIT की जांच सही दिशा में काम कर रही है, फिर क्यों इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक बार SIT की जांच तो पूरी होने दी जाए, उसके बाद आप इस तरीके के सवाल उठा सकते हैं।
देखिए मैं आपको बता दूं कि चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, ये सीधे तौर पर पहले ही स्पष्ट हो चुका है। पुलिस ने भी चार्जशीट दाखिल कर दी, उसके बाद की जो कार्रवाई थी जिसमें जो बकायदा राज्य सरकार की ओर से जब जो है कहा गया था कि एसआईटी जांच जो है हाईकोर्ट तक पहुंचे सीबीआई जांच की मांग हुई थी, हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने जो है सीबीआई जांच के लिए मना किया। करीबन ही अभी जो है बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आज हम 27 दिसंबर में खड़े हैं, एसआईटी गठित हुई थी 26 सितंबर को, लोगों ने सोचा एसआईटी गठित हुई है, रोज नए राज खुलेंगे, पर्दाफाश होगा, आरोपी एक के बाद एक अंदर जाएंगे, बनंतरा से जुड़े हुए जो राज हैं और अंकिता के साथ मौत से पहले क्या हुआ, किस तरह का उत्पीड़न हुआ, ये सारी बातें खुलकर आएंगी। लेकिन देखने में कुछ और ही आया, देखने में यह आया कि एसआईटी गठन के बाद तो जैसे जो जांच है वो गहरे अंधे कुएं में चली गई हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई खुलासे नहीं, कोई बात जनता तक नहीं, कोई बात विपक्ष तक नहीं, कोई बात मीडिया तक नहीं निकल कर आई। ऐसे में फोरेंसिक जांच के लिए पिछली बार हाईकोर्ट से एसआईटी को फटकार पड़ी थी कि आप जो है सारे सबूत लेकर नहीं आ रहे हैं, आप फोरेंसिक जांच लेकर नहीं आ रहे हैं, आपने सबूत तथ्य नहीं जुटाए हैं। वहां पर जली हुई उसकी रोटियां पड़ी हुई थी, वहां उसकी सैंडल पड़ी हुई थी, उसका जो बिस्तर है वो नदी में डाल दिया गया, झील में डाल दिया गया। ऐसे में मैं बता तो रही हूँ कि पोस्टमार्टम करने वाले 5 पुरुष डॉक्टर होते हैं, महिला डॉक्टर उसमें नहीं होती। 5 दिन बाद उसकी बॉडी निकाली जाती है नहर से, तो वो फूली भी नहीं होती, वो जस की तस जैसे अंकिता थी वैसी होती है। ये कैसे मुमकिन है? ये सारी बातें वो हैं जिसके सवाल के जवाब जनता जानना चाहती है, और एसआईटी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि एसआईटी भी उस वीआईपी को बचाना चाहती है। उत्तराखंड की जनता वीआईपी का नाम जानना चाहती है, इस पूरे केस की सीबीआई जांच एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में चाहती है, और इससे कम में हम मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए बिल्कुल जिस को मैंने कांग्रेस पहले सीबीआई जांच और अब सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज जांच करवाई जाए, जिसके बाद पता लगेगा कि आखिरकार किस तरीके का पूरा प्रकरण और कौन वीआईपी इसमें शामिल है। सौरभ, एसआईटी की जो टीम है 3 मुख्य आरोपियों को पकड़ चुकी है, हिरासत में है, उनका नार्को टेस्ट होना है। अगर एसआईटी की जांच ठंडे बस्ते में होती तो तीनों आरोपियों को वो नहीं पकड़ती। मुख्य आरोपी बताया जा रहा है पुलकित इस मामले में, वो एसआईटी की हिरासत में है और जल्द ही अब नार्को टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट से सब कुछ साफ हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। एसआईटी खुद दावा कर रही है कि वो जल्द ही वीआईपी के नाम का खुलासा करेगी, एक बार नार्को टेस्ट हो जाए फिर जो स्थिति है, जो तस्वीर है वो सामने होगी, तो कम से कम उस जांच का न्याय की जो प्रक्रिया है उस जांच का उस टेस्ट का इंतजार तो करना चाहिए ना। नार्को टेस्ट होना भी है, होना भी है, क्योंकि पहले जो है पुलकित और जो है सौरभ ने जो इस बात की सहमति करी थी, लेकिन अंकित जी ने मना किया था कि नार्को टेस्ट नहीं कराएगा। वर्तमान में जो मामला जो है कोर्ट पे गया था, कोर्ट में जो इस बात कहा गया कि तमाम सभी जो जरूरी उनको जो पूरी तरीके से लेके आया जाए, 3 तारीख के बाद जो नार्को टेस्ट पे डिसीजन होगा। अभी नार्को टेस्ट को लेकर ये कह देना की नार्को टेस्ट होना है जल्दबाजी। सौरभ, एसआईटी की जांच की बात की जाए तो एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए एसआईटी ने पहले जिस तरीके से कहा था कि तमाम जो तथ्य जुटा लिए गए हैं, सारे एविडेंस जो है एसआईटी के पास है, जिसको जो कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है, जरूर जो है अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट कर दी है, लेकिन अभी वीआईपी का नाम तो खुलासा नहीं हुआ। नार्को टेस्ट की जो मांग की है, नार्को टेस्ट जो है करवा लिया है, लेकिन अभी तक जो है नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से कोई परमिशन नहीं मिली है। सौरभ, गरिमा दसौनी जिससे पूछिए कि अगर सीबीआई जांच के लिए अब हाईकोर्ट तो मना कर ही चुका है, आगे अगर प्रशासन तैयार नहीं होता है तो क्या कुछ वो आगे करेंगे अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी कांग्रेस की? नहीं, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख तो हमने करने का फैसला पहले ही कर लिया था, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि वीआईपी को लेकर भी भाजपा 2 फाड़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो कहते हैं वीआईपी कमरे का नाम था, इंसान का नाम नहीं था, व्यक्ति का नाम नहीं था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी मानते हैं, राजपुर के भाजपा के विधायक खजानदास मानते हैं कि ये काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं है। उनका मानना है कि वीआईपी तो हर हाल में है और अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, वीआईपी के नाम की भी खुलासा होना चाहिए, शायद वीआईपी
का जो संपर्क सूत्र है या जो रसूख है या जो उसके तार हैं वो इतने ऊंचे लोगों से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कि एड़ी चोटी का जोर इन्होंने उस वीआईपी को बचाने में लगा दिया। लेकिन उत्तराखंडियत से समझौता किया गया है, उत्तराखंड की बेटी से समझौता किया गया है, यहाँ के मान सम्मान को ठेस पहुंची है और उसको रीइंस्टेट करना कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती है। तो देखिए कांग्रेस के नेता जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की जरूर बात कर रहे हैं। सौरभ इनसे ये पूछिए गरिमा जी से कि कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट नैनीताल हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, एसआईटी जो अपना काम कर रही है वो सही से कर रही है और सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, तो एक तरह से कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट ने जब कह दिया है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, एसआईटी अपना काम ठीक से कर रही है, सही दिशा में कर रही है, फिर इस तरीके का ये तो एक तरह से राजनीति वाली बात हो गई। देखिए अमरीक रावत जो पहले इस चीज से इनकार कर चुके हैं कि हाईकोर्ट के मामले में कुछ कहना जो है सही नहीं, हाईकोर्ट से जो है जिस तरीके से पहले कहा गया है कि जांच करें जैसे जांच करें तो उसके बाद का यह नियम बनाया जाएगा, उसके बाद तो सही आगे बढ़ा जाएगा। कोर्ट ने कह दिया है कि अभी एसआईटी जांच हो रही है, इसलिए कोर्ट के हवाला के रूप में नहीं मान रही है अभी तो। नहीं करना चाहते लेकिन जन भावनाएं अपनी जगह पर है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती रहती है, लेकिन जो जन दबाव है, जो जन आक्रोश है, जो उद्वेलित जनता है क्योंकि पहाड़ की बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या घटित हुआ वनंतरा रिसोर्ट में, और बहुत जैसे मैंने कहा ना अनसुलझे सवाल हैं, जैसे रिसोर्ट पर डोजर किसने चलवाया, क्यों चलवाया, मंशा क्या थी, उसके अलावा दो बार वहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कैसे आगजनी हो गई और आगजनी क्यों करवाई गई, किसके द्वारा करवाई गई, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातों पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। और एसआईटी से हम इसीलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि एसआईटी 3 महीने पहले गठित हुई थी, एसआईटी ने किसी की जवाबदेही, किसी की अकाउंटेबिलिटी, देखिए अकाउंटेबिलिटी फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, आंसरेबिलिटी फैक्टर है, आंसरेबिलिटी है पुलिस प्रशासन की और सरकार की, अकाउंटेबल है वो लोग जो वहां मौजूद थे, वहां भाजपा की स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट मौजूद थी जिस समय डोजर चल रहा था, तो रेणु बिष्ट की अकाउंटेबिलिटी आपने क्या करी, पुलिस प्रशासन मौजूद था तो अब वहां आगजनी हो गई दो बार, ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और नई बात ये है कि क्राइम स्पॉट को सीज क्यों नहीं किया गया, उसको पूरा सील किया जाना चाहिए था भारी लोगों के लिए, लेकिन वहां कोई भी मुंह उठाकर जा सकता था और सबूतों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। यह आपने पहले तरह का केस देखा होगा जहां उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से उदासीन बनी रही, बहुत कोशिश की गई कि इस मामले को रफा दफा किया जाए, लेकिन मामला रफा दफा नहीं हुआ। उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता, देवतुल्य जनता सड़कों पर उतरी बेटी के न्याय के लिए, तो आनंद फानंद में उसका दाह संस्कार कर दिया गया बिना परिजनों से पूछे, और उसका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है, आधा आक्रोश वहां ठंडा हो जाता है। मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद है, हमारी स्थानीय जो मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, उसने इसको बढ़ चढ़ कर उठाया अंकिता हत्याकांड को, और आज 3 महीने या 3.5 महीने बाद हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जो जांच है वो जहां पर छोड़ी गई थी वहीं पर पहुंची है। और शुरुआत के जो 4 दिन बहुत क्रूशियल थे इस पूरे केस में, उस वक्त रेवेन्यू पुलिस और रेगुलर पुलिस के बीच में लुका छिपी का खेल चल रहा। जो राजनीतिक दल है अपनी तरफ से जो तैयारियां थी जिस बात से उठा रहे हैं सीबीआई जांच होगी, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के जो देख रहे हैं जांच होगी, ये तमाम मुद्दे जज के तरफ ही खड़े हैं। जी सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य सचिव आर राजेश आज कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे। बता दें आपको उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में कोरोना की स्थिति को लेकर कोरोना संबंधी उपकरणों की जांच और आकलन के लिए मॉक ड्रिल की शुरुआत की गई है, मॉक ड्रिल की जा रही है उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में। और इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश आज कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे थे जहां पर कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा था। उन्होंने खुद मॉक ड्रिल की समीक्षा की है, समीक्षा करने पहुंचे हैं राज्य भर के अस्पतालों में। केंद्र के निर्देश के बाद मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कोरोना की लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। उत्तराखंड में महानिदेशालय के अधिकारी अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं,
कोरोना की लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। महानिदेशालय के अधिकारी अस्पतालों में मॉकड्रिल का जायजा लेने पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य सचिव जो है आर राजेश वो कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे हैं जो कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया था, वहां पर मॉकड्रिल किया जा रहा है। कोरोना को लेकर मॉकड्रिल किया जा रहा है जिसकी समीक्षा करने स्वास्थ्य सचिव जो थे वो कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे हैं। इसी खबर पर सौरभ भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, कोरोना की स्थिति को जांचने के लिए और आकलन के लिए हालातों पर किस तरीके से काबू पाया जाए उसके लिए पहले से ही मॉकड्रिल की जा रही है सभी अस्पतालों में। देखो, देखिए कोरोना की संभावित लहर को लेकर बकायदा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने आज खुद जिला अस्पताल पहुंचकर वहां का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इसके साथ ही अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर और चीजों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि चाइना में जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं जिसकी वजह लगातार देश भर का एक मैसेज जा रहा है कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरी लहर भी राज्य के लोगों ने देखी थी, एक भयावह स्थिति पैदा हुई थी, तो जिस तरीके की स्थिति यहाँ पैदा हुई उनको लेकर पहले ही स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो चीजें सब है उनको जो तुरंत पूरा करवा लिया जाए, अन्यथा जिस स्थिति में लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जो जिला हवाली करेंगे। जी, इसके अलावा जो कोरोनेशन अस्पताल है वहां पर स्वास्थ्य सचिव पहुंचे हैं, समीक्षा की जा रही है किस तरीके के हालात बने हुए हैं, जांच जो कोरोना कोविड संबंधी उपकरण है उनकी जांच की जा रही है, किस तरीके से मॉकड्रिल किया जा रहा है सभी अस्पतालों में। देखिए, अस्पताल में जो व्यवस्था थी उसका बकायदा जायजा लिया गया। तमाम जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, जिले के अधिकारी मौजूद रहे, वहाँ पे राज्य के अधिकारी मौजूद रहे, उनको ये निर्देश भी दिए गए कि अलर्ट मोड पर रहेगा, कोई भी ओमिक्रॉन 7 का मामला सामने आता है तो तत्काल जो है उसको गंभीरता से लेते हुए उनका उपचार दिया जाए, जिससे राज्य में तरीके का मामला ना फैले, कोरोना के मामलों में इजाफा ना हो। जिसको लेकर जो स्वास्थ्य सचिव ने पहले ही जो भारत सरकार की गाइडलाइन है SOP उसका पालन करने के लिए निर्देश दिए कि मास्क का प्रयोग करें और इसके साथ पैनिक ना करें, क्योंकि अगर पैनिक होगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर डर की स्थिति पैदा हो जाने से बिल्कुल। सौरभ, पहली और दूसरी लहर के भयंकर परिणाम हमने देखे हैं, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां अस्पतालों में की गई है कि अगर कोरोना इस बार फिर से बेकाबू होता है तो उस स्थिति पर काबू पाया जा सके, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां पहले से की गई है प्रशासन की तरफ से। देखिए, प्रशासन पहले ही तमाम चीजों को लेकर सबक ले चुका है। इस बार जो है तैयारियों को लेकर कुछ स्वास्थ्य सचिव जो है जब ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवस्थाएं कैसी होगी। पीछे हमने देखा जब जो इस चीजों के मामले सामने आते थे तो अधिकारी जो अन्य कमरों से आदेश देते थे, लेकिन स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ग्राउंड जीरो पे है, लगातार लोगों को दिशा निर्देश जारी करे, बाकायदा अधिकारियों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है कि जहाँ पर खामियां हैं, कमी है, उनको किस तरीके से दूर किया जाए, कितना समय इसमें लग सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर अभी समीक्षा हो रही है। जी बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देहरादून में सीएम धामी सचिवालय पहुंचे जहां पर सरलीकरण समाधान के तहत सुराज सुशासन को लेकर बैठक की गई। सीएम द्वारा पहली बार कुछ सीएम सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं समीक्षा। आज अनुभाग अधिकारी स्तर के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम धामी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सरलीकरण समाधान के तहत सुराज सुशासन को लेकर बैठक की जा रही है सीएम धामी द्वारा। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय, सीएम धामी सचिवालय पहुंचे जहां पर सरलीकरण समाधान के तहत सुराज सुशासन को लेकर बैठक की जा रही है और बताया जा रहा है कि पहली बार है कि जब कोई सीएम सचिवालय के अधिकारियों के साथ इस तरीके की कोई समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि सुराज सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री की पहली बैठक, अब तक इस बैठक में कह सकते हैं कि अनुभाग अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री की पहली बैठक है। इससे पूर्व में जो अधिकारी कह सकते थे प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें सचिव स्तर के अधिकारी मुख्यमंत्री की बैठक में बैठा करते थे, लेकिन ऐसा पहली बार यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो ये बैठक है, इस बैठक में अनुभाग स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सुराज तभी लाया जा सकता है, सुशासन तभी यहाँ पर अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है जब सारे अधिकारी जनता के लिए समर्पित होकर काम करें। उसके लिए जरूरी है कि जो जनता की जो समस्याएं जो विभाग स्तर पर ज्यादातर लंबित रहती हैं वो तो इस गति से उन समस्याओं का निराकरण यहाँ पर हो सके। विकास की अगर योजनाएं हैं तो
जो धरातल पर उतर सके, उसके जो लाभार्थी लाभार्थियों की जो समस्याएं वो उसका समाधान सही तरीके से यहाँ पर हो सके, उन सब चीजों को लेकर ये मैसेज यहाँ पर देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों को सरकार के उन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर सचेत रहकर गंभीरता के साथ काम करने के लिए कहा जाएगा, जो प्रशासन की ओर सरकार की बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की जो समस्या है उसका सही समय पर निदान हो सके। बिल्कुल अभय, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देहरादून में धर्म परिवर्तन कराने पुरोला गया था मसूरी का एक पादरी। जी हां, पुरोला में समय धर्मांतरण को लेकर आक्रोश छाया हुआ है वहां के लोगों में। कल उन्होंने बाजार बंद का ऐलान किया था, कल पुरोला में बाजार बंद रहा था। उसी कड़ी में पुलिस मामले की जांच कर रही है धर्मांतरण के, और इसी में एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए मसूरी का एक पादरी पुरोला गया था, जहां पर पुलिस ने 7 आरोपियों को नामजद किया है। जांच के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है ये पादरी। प्राथमिकता के आधार पर विवेचना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल कुछ लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के मामले में ये पूरा विवाद हुआ था। उत्तरकाशी के पुरोला स्थित शिवाला गाँव का ये मामला है, जहाँ पर धर्मांतरण का मामला सामने आया था। कम आबादी का गांव, नेपाली मूल के लोग यहां पर रहते हैं ऐसा बताया जा रहा है, और धर्मांतरण का मामला सामने आया था कुछ दिन पहले, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। कल बाजार बंद किया गया था स्थानीय लोगों द्वारा पुरोला में, और अब उसमें पुलिस की जांच में एक नई अपडेट सामने आई है कि पुरोला में मसूरी का एक पादरी धर्म परिवर्तन कराने गया था। फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों को नामजद किया है और जांच के बाद इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अभय कैंत्रा जुड़े हुए हैं। अभय, धर्मांतरण मामले में पुरोला के पुलिस की जांच में एक नई अपडेट सामने आई है कि मसूरी का एक पादरी धर्मांतरण के लिए पुरोला गया था, और पुलिस ने फिलहाल 7 आरोपियों को नामजद भी कर लिया है, जल्द ही इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट है? अभय, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी हेलो। जी अभय, पुरोला जी कहिए। उत्तरकाशी के पुरोला स्थित शिवाली गांव में जो धर्म परिवर्तन का मामला जो सामने आया था, जिसका स्थानीय लोगों ने भारी विरोध अपना वहां पर प्रकट किया था, उसी विरोध के चलते कह सकते हैं कि कल पुरोला का जो पूरा बाजार है वो स्थानीय विरोध के चलते वहां पर बंद कर दिया गया था। जो स्थानीय जनता थी वो लगातार इस धर्म परिवर्तन के मामले पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग यहां पर कर रही थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच यहां पर कर रही है, और अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो जांच चली है उस जांच प्रक्रिया में ये निकलकर सामने आया है कि जो जिन 7 लोगों के खिलाफ यहां पर आरोपियों के तौर पर यहां पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें एक पादरी मसूरी के बताए जा रहे हैं, जो मसूरी से धर्म परिवर्तन कराने। बिल्कुल, अभय देखना होगा इस जांच में क्या कुछ और सामने निकल कर आता है। बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अगली खबर पर। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में शीतलहर की संभावनाएं जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून में मौसम साफ रहने के आसार हैं, मौसम विभाग की तरफ से ये संकेत जारी किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अभय कैंत्रा जुड़े हुए हैं। अभय, 24 घंटे में शीतलहर की संभावनाएं हैं प्रदेश में, घने कोहरे की वजह से कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।